नमस्कार मानयोग प्रधानमंत्री जी, मैं सुनैना त्रिपाठी कृष्णामूर्ति कटक उड़ीसा तो हाँ। मेरा प्रश्न ये कि जमात विच विद्यार्थियों नू रोचक पढ़ाई वाल किवें आकर्षित करिए अते जीवन दियां सार्थक कदरां कीमतां किवें सिखाइए ते नाल ही जमात विच अनुशासन नाल पढ़ाई नू रोचक किवें बनाइए। मानयोग प्रधानमंत्री जी, सुनैना त्रिपाठी विद्या लई दिलचस्पी लैण लई विद्यार्थियों नू उत्साहित करन बारे तुहाडा मार्गदर्शन चाहुंदे ने। मानयोग प्रधानमंत्री जी, ये प्रश्न अध्यापक दा सी। देखो, आजकल तजर्बा हो रहा है कि टीचर अपने आप विच खोए रहंदे ने। अजे मैं अद्धा वाक बोलिया सी तुसी पकड़ लिया। ओ एक निश्चित सिलेबस 20 मिनट 30 मिनट बोलना है, वो फटाफट बोल देंदे ने। तां फिर इस दौरान कोई हिलेगा इधर उधर तां तुसी देखिया होवेगा कि मैं अपने बचपन की गल सुना रहा हाँ। अजकल तां टीचर चंगे हुंदे ने, मेरे जमाने विच शायद इस तरह नहीं हुंदा सी। इसलिए मैनू टीचरां की आलोचना करन दा हक नहीं है, पर कदे कदे मैं देख रहा सी कि टीचर जिहड़े तैयारी करके आए ने, जेकर वो भुल गए चाहुंदे नहीं बच्चे पकड़ लैण उहनां नूं, वो बच्चों तो लुकाउणा चाहुंदे ने। वो की करदे ने, वो एक वाल इशारा करके तू खड़ा हो जा, क्यों तू इत्थे बैठा है, क्यों इस तरह कर रहा है, क्यों ढीठ पुणा कर रहा है। यानी वो 5-7 मिनट उस ते लगा देंदे ने। इस दौरान जेकर विशा याद आ गया तां गड्डी वापस आवेगी, वरना जे कोई हस पिया तां उसनूं पकड़नगे, क्यों हस रहा है तू। अज भी इस तरह हुंदा है। नहीं, हुण तां टीचर बहुत चंगे हो गए ने। तुसी देखिया होवेगा कि टीचर मोबाइल फोन ते अपना सिलेबस लैके आउंदे ने, मोबाइल देख के पढ़ाउंदे ने। इंज ही करदे ने अते कदे उंगल इधर उधर दब गई तां हथ चों निकल जाता है, तां वो खुद लभण लग जाते हैं। उन्हां पूरी तरह टैक्नोलॉजी बारे सीखिया नहीं है। जरूरी 2-4 चीज़ां सीख लईआं, उंगली इधर उधर वज गई तां फिर वो डिलीट हो जाता है जां फिर खिसक जाता है, हथ नहीं आउंदा है तां वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सर्दियों में भी पसीना आ जाता है अते ये सब उस दे कारण जिस दियां अपनियां कमियां होण उस दा एक सुभाअ हुंदा है। दूजियां ते वाधू रोह पाउण तां जो अपनियां कमियां बाहर ना आउण। मैं समझदा हाँ कि मेरे सिक्ख्या मित्र विद्यार्थियों नाल जिन्ना अपनापन बनाउणगे, विद्यार्थी तुहाडे ज्ञान दी कसौटी नहीं जाण सकणगे। ये साडा भुलेखा है। टीचर दे मन विच हुंदा है कि विद्यार्थी जे कोई सवाल पुछदा है तां वो तुहाडी परीक्षा ले रहा है। जी नहीं, अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तां ये मन के चलो कि उस दे मन अंदर जिग्यासा है। तुसी उस जिग्यासा नूं प्रमोट करो। उस दी जिग्यासा ही उस दी जिंदगी दी बहुत वड्डी अमानत है। किसी भी जिग्यासू नूं चुप ना कराओ, उस नूं टोको ना, उस नूं सुनो, आराम नाल सुनो। जेकर जवाब नहीं आउंदा तां तुसी उस नूं कहो कि देख बेटा, तुसी बहुत अच्छी गल कर रही है ते तेनों जल्दबाजी विच जवाब देवांगा तां अन्याय होवेगा। इंज करदिआं असीं कल बैठदे हां, तुसी मेरे चैंबर विच आ जाओ, आपां गलबात करांगे अते मैं भी तेनों समझण दा यतन करांगा, समझ दी कोशिश करांगा कि इह विचार तेनों किवें आया ते मैं भी कोशिश करांगा कि इसे दौरान मैं घर जाके स्टडी करांगा जां गूगल ते जावांगा, इधर उधर जावांगा, पुछ लवांगा ते फिर मैं तैयार होके आवांगा। फिर मैं दूजे दिन उस नूं पुछांगा कि तैनूं ये विचार आया कित्थों, इन्ना उत्तम विचार इस उम्र विच तैनूं आया किवें। उस नूं प्यार नाल दसो कि इंज नहीं है, इस दी असलियत ये वह इस नूं तुरंत स्वीकार कर लवेगा। तो अज भी विद्यार्थी अपने अध्यापक की कई गल नूं बहुत ही कीमती समझदा है। जेकर एक अद्धी गलत गल दस दिती है तो वह जिंदगी भर लई रजिस्टर हो जाती है। अते इसलिए गल दसन तो पहला समा लेना बुरा नहीं है, असी बाद विच भी दसिया तो चलता है। दूजा अनुशासन की गल है। क्लास विच टीचर नूं कदे कदे की लगता है अपना प्रभाव पैदा करने लई जो सब तो कमजोर विद्यार्थी हुंदा है उस तो पुछोगे कि दसो तुसीं समझे कि नहीं समझे, तां का बा करदा रहेगा। फिर वो डांट देणगे, जे मैं इन्ना पढ़ रहा हाँ तां तैनूं समझ नहीं आ रही। जेकर मैं टीचर हुंदा तां मैं की करदा कि जो बहुत ही चंगे ब्राइट विद्यार्थी ने उन्हां नूं कहंदा कि तुसीं किवें इस नूं समझे, वो वधिया तरीके नाल दसेगा। जो नहीं समझ रहा है वो विद्यार्थी की भाषा नूं समझेगा, उस नूं भी समझ आ जाएगी। अते जिहड़े चंगे विद्यार्थी ने उन्हां नूं मैं इज्जत दे रहा हाँ तां चंगे बनने का मुकाबला शुरू हो जाएगा। सुभावक है कि मुकाबला शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो इस तरह अनुशासन विच नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं करता, जमात विच भी कोई होर एक्टिविटी करता है, टीचर जेकर उसनूं अलग बुला लवे, अलग बुला के गल करे, प्यार नाल गल करे, देख यार कल कितना वधिया विशा सी तुसीं खेड रहे सी, चलो अज खेडो, मेरे सामने खेडो, तैनूं भी मज़ा आएगा, मैं भी देखां कि तू की खेड रहे हैं। अच्छा चल दस, खेडण का काम बाद विच देखदा हाँ। अच्छा चल दस, जे ध्यान दिता हुंदा तां तैनूं फायदा हुंदा कि ना। इस तरह असीं संवाद करदे हाँ तां उस नूं एक अपनापन महसूस हुंदा ते वो कदे भी अनुशासनहीनता ना करदा। जेकर उस दी ईगो नूं अगर हर्ट किया तां फिर दिमाग फट जाएगा। कुछ लोग चतुराई भी करदे ने, चतुराई भी कदे कदे काम आउंदी है। जो सब तो शरारती विद्यार्थी हुंदा है उसनूं मोनीटर बना दिंदे ने, बनाउंदे ने ना, वो मोनीटर बन जाता है तां उसनूं भी लगता है कि मैनूं हुण ठीक तरह व्यवहार करना पवेगा, तां वो फिर अपने आप नूं खुद ठीक करदा अते सारिआं नूं ठीक रखण लई अपने आप नूं एडजस्ट करदा है, अपणियां बुराइयां नूं कंट्रोल करन दी कोशिश करदा है, अध्यापक लई हरमन प्यारा बनने की कोशिश करता है। अते अल्टीमेटली नतीजा ये होंदा है कि उस दी जिंदगी बदल जाती है तो उस दे माध्यम नाल जमात का वातावरण भी सुधर जाता है। तो अनेक तरीके हो सकते हैं, पर मैं मानता हाँ कि सानू डंडा लैके अनुशासन वाले रस्ते नहीं चुनने चाहिए, सानू अपनेपन का रस्ता चुनना चाहिए है। अपना रस्ता चुनांगे तो ही लाभ हो सकता है। धन्यवाद।